हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री मैं हूं आपका दोस्त निदेदय शर्मा डियर फ्रेंड्स आप सभी सोच रहे होंगे अब तक एनडीएस सर के एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए हैं एक्चुअली फ्रेंड्स आई वाज कलेक्टिंग द प्रूफ्स फॉर द ऑब्जेक्शन तो फिलहाल मैं आपको सामने तीन केमिस्ट्री के ऑब्जेक्शन्स बिल्कुल फ़िक्स बताऊँगा जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं तो जो एटी सेवन और एटी पर अटके हुए हैं वो जा सकते हैं आगे और इसी प्रकार एस टेट पी हिंदी के अंदर हिंदी के अंदर भी तीन ऑब्जेक्शन है जर्नल पेपर के अंदर तो वो भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं मतलब टोटल आप फाइव मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन ठीक है तो तो वीडियो को अंत तक सुनिए लास्ट तक सुनिए विच द फॉलोइंग इज राइट फॉर द डाई प्रोटिक एसिड देखो डियर फ्रेंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, था कोई भी डाई प्रोटिक एसिड होता है ना उसके अंदर फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा होती है लेकिन ने इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर बताया है बट दिस इज नॉट रोट आंसर इसका मैं आपको लाइफ प्रूफ दिखाता हूं कि आपको इसका आपको कहां से इसका ऑब्जेक्शन लगाना है देखो यहां से मिलेगा इसका ऑब्जेक्शन मैं दिखा देता हूँ देखो ये रहा ये है एनसीआरटी का इक्लिवरियम चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन सभी को पता है एनसीआर के अंदर प्लस वन के अंदर डाई और पोली बेसिक एसिड जो होते हैं मतलब दोज एसिड विच कैन रिलीज मोर देन वन प्रोटोन दिज आर कॉल्ड पोली बेसिक एसिड देखो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मैंशन द आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग द डाई बेसिक एसिड जैसे एच टू एक्स ले लिया तो एच टू एक्स में एच पॉजिटिव प्लस एच एक्स नेगेटिव फिर एच एक्स के अंदर एक प्रोटोन और निकाल दिया और साथ में एक तो ये प्रूव हो गया कि ए वन की वैल्यू दे दी फिर के ए टू की आगे देखिए के ए टू ये रहा दिख रखा देखो एज के वन एंड के टू आर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजन कॉन्स्टेंट हो गया अब यहाँ पर वैल्यू के देखिए डायरेक्ट लाइफ प्रूफ है आपके पास अगर आप ऑग्जिलिक एसिड को कंपेयर करते हैं तो के ए वन की वैल्यू देखो टेन एस टू पावर माइनस टू की सेंस में है और K2 के ए टू की वैल्यू टेन एस टू पावर माइनस फाइव है मतलब के ए वन इज टेन रेस टू पावर थ्री टाइम्स ग्रेटर देन के ए टू अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं देखो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत दूसरा रिलेशन है के ए इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू के ए टू दिख लिया आपको इस डाटा दिख रहा है और आप इस पर लाइफ प्रूफ लगा सकते हैं साफ साफ और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है देखो इट कैन बी सीन दैट द हाइयर ऑर्डर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ए वन के टू आर स्मॉलर देन लोअर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के ए वन ये साफ मैं लिखा हुआ है कि के ए वन की वैल्यू के ए टू के थ्री से बहुत बहुत ज्यादा होती है फोर एपोलिप्रोटिक एसिड रीजन भी दिखा हुआ है देखो रीजन फॉर दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन फ्रॉम ए नेगेटिवली आय ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि एक प्रोटोन निकालने के बाद मान लो आपने सल्फ्य एसिड से एक प्रोटोन निकाल लिया एक प्रूफ एक और देता हूं आपको ये रहा देखो ये पी ब्लोक का चैप्टर था सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सल्फ्य एसिड एक कंपाउंड है देखो साफ साफ मैंशन है सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटोन निकाला के ए वन वेरी वेरी लार्ज ट्रेंड इस टू पावर के ए वन की वैल्यू टेन के अकॉर्डिंग है के वन सी वैल्यू टेन से भी ज्यादा है और दूसरी वैल्यू देखियो टेन सुपर माइनस टू है इसका मतलब है द लार्ज वैल्यू ऑफ द के ए वन मीट इट मीन एस टू एस ओ फोर इज लार्जली डिसोजेड इन दूस पॉजिटिव एंड एच एस ओ फोर नेगेटिव सिंपल है तो आपको लाइफ प्रूफ मैंने दे दिया आपको प्रूफ मिलेंगे इकिल चैप्टर से एस बेस कॉन्सर्ट पर चले जाना प्लस उनकी क्लास में NCRT है और आप यहां से भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप ये मैं आपको डाल देता हूं यहां पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप ठीक है और जिनको भी ये लाइव ऑब्जेक्शन की पीडीएफ चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है अभी मैं लास्ट तक मेरी वीडियो सुनिए मैं आपको सारी डिटेल सारी बताऊंगा तो पहला क्वेश्चन का प्रूफ आपको मिल गया यहां से उठाना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपको कहां से क्या मिलेगा सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये दे रहा कि सोडियम फिनेट रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड क्या बनेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर एस्टेट ने बोला है मिथाइल बैंजुएट लेकिन मिथाइल वेंजुएट इसका आंसर नहीं है इसका आंसर है फिनाइल एसीटेट जो ऑप्शन थ्री करके आया है वो एक नंबर ले सकता है अब आपको बताता हूँ इसको कैसे ऑब्जेक्शन आप लगाओगे क्योंकि मैंने इसका खुद एक्सप्लैनेशन अपने पेज पर लिखा है देखो ये एक नंबर क्वेश्चन है और सेट डी था मेरे पास तो एस पीजीटी केमिस्ट्री 2020 तो आपको याद रखना है सोडियम फिनेट इज आल्सो नोन एज सोडियम फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड को ही सोडियम फिनेट बोलते हैं इट इज रिटर्न एज सी सी एच फाइव ओ नेगेटिव एन ने ए पॉजिटिव आप एग्जामिनर को जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आप बताएंगे कि भाई ये कैसे लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है सोडियम फिनेट सोडियम फिनोक्साइड इसको सोडियम कार्बोलेट भी बोलते हैं चार नाम है इसके सोडियम फिनेट सोडियम फिनोक्साइड सोडियम कार्बोलेट सोडियम कार्बोलेट क्यों बोलते हैं क्योंकि कार्बोलिक एसिड फिनोल का ही नाम है इसलिए इसको सोडियम कार्बोलेट भी बोलते हैं और सोडियम फिनोलेट भी बोलते हैं इसको चार नाम से तो देखो सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर देंगे तो एनएसीएल आउट हो जाएगा और हेयर द फॉर्मेशन ऑफ फिनाल एसिटेट तो ऑप्शन थ्री शुड बी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर होना चाहिए था देखो ये ये रहा देखो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था लेकिन एस्टेट ने अपनी एक्चुअल आंसर की के अंदर इसका आंसर वन बताया है मिथाइल बेंजुएट जो नॉट पॉसिबल बाय एनी वे तो आप यहां पर लिख देंगे प्लीज रिफॉर्म द आंसर की विद राइट आंसर राइट आंसर के साथ आंसर की को रिफॉर्म कीजिए और मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए अदरवाइज इसका कोई आपको प्रूफ नहीं मिलेगा आप एग्जामिनर को समझाओ भाई ये होती है केमिस्ट्री ठीक है यस तो आप उसको बताएंगे एग्जामिनर को चलिए ये दो प्रूफ हो गए उसके बाद तीसरा प्रूफ देखिए डियर फ्रेंड्स ये सोलिड स्टेट का क्वेश्चन है सॉरी पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जब एस सी एल गैस को पास करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट तो प्योर एन ए सी एल प्रेसिपिटेड आउट होता है इसका सीधा सा तीसरा आंसर है कि क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द एन ए एन सी एल एक्सीड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम हो जाता है दिस इज द सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट क्योंकि एन ए सी एल से भी सी एल नेगेटिव आता है मैं इसका लाइव प्रूफ देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा इसका कॉन्सेप्ट देखिए आपको दिखाता हूँ इसका मैं लाइफ प्रूफ देखिए जस्ट वेट एंड वॉच आपको मिल जाएगा देखो ये रहा आप यहाँ से सीधा पढ़िए एप्लीकेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ये पूरी शर्मा पठानिया है आपको उठा लेनी है पी जिसको बोलते हैं पूरी शर्मा पठानिया से लाइफ प्रूफ लिया है मैंने ये है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बुक है सभी को पता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इसमें देखिए साफ साल लिखा हुआ है प्योर सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड नीचे की लाइन देखिए जो मैंने डार्क में मेंशन किया हुआ है लाइन के अंदर रेड लाइन के अंदर कि द प्योर सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर सोलिबल इंप्योरिटीज बाय पासिंग एस सी एल गैस थ्रू द सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर लिखा हुआ है देखो साफ साफ तीसरी लाइन पढ़ो ऑन पासिंग ऑन पासिंग द एस सी एल द कंसेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन इनक्रीजीज एंड द आयनिक प्रोडक्ट एक्सिड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बिल्कुल डिटो वही लाइन लिखी हुई है कि जैसे ही एस सी एल गैस को एन सी एल के अंदर पास करते हैं कि तो सी एल नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और आयनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड करता है और सोडियम क्लोराइड के पीपीटी आपको मिल जाते हैं तो यहां पर सीधे देख रहे हैं देखो लास्ट स्टेप एनएसीएल प्रेसिपिटेट आउट आपको और भी प्रूफ देता हूं ऊपर देखो साफ साफ लिखा हुआ है देखो यहां पर पढ़ो हैंस वाली quality, हैंस वाली वाली लाइन पढ़ो ब्लैक द यहां पर देखो द प्रेसिपिटेशन ऑफ द एन टेक्स प्लेस ऑन पासिंग एस गैस आपको नजर आ रही होगी ये लाइन हैंस वाली लाइन पढ़ो ब्लैक के अंदर के अंदर हैंस वाली लाइन दूसरी लाइन पढ़ो कि ऑन पासिंग एस गैस थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एन पठानिया की बुक उठाओ आपको मैं एक प्रूफ और दिखाता हूँ रुकीये मेरे पास एक प्रूफ और भी है ये देखे ये बुक के अंदर भी आपको प्रूफ मिल जाएगा हालांकि ये दूसरा डाटा है दूसरी बुक से है प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉमन सोल्ट देखो साफ साफ लिखा हुआ है देखो यहां पर देखिए ठीक है और नीचे लाइन लिखी हुई देखो द कंसनट्रेशन ऑफ द सी एल नेगेटिव इनक्रीजेज एज ड्यू टू आयनाइजेशन प्रोडक्ट एक्सिड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन और भी प्रूफ देता हूं आपको मैं और भी प्रूफ देता हूँ आपको मैं एक मिनट रुकिए जस्ट वेट एंड वॉच मेरे पास काफी प्रूफ्स हैं यस yes, एक दो प्रूफ और दे देता हूं आपको मैं यहां पर देखिए एक ये लाइन लिखी हुई है ये एनसीआरटी का डाटा है साफ साफ देखिए द सोडियम क्लोराइड दस इन हाई प्योरिटी and the sodium chloride is precipitated due to the कंसेंट्रेशन concentration of the chloride ion available due to dissolution of एल ठीक है तो इतने प्रूफ आई थिंक सफिशियंट होंगे दो पूरी को पठाने के बुक उठाओ ये के वन के टू का प्रूफ भी बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको दिया है तो आपको देखिए कितने क्वेश्चन के प्रूफ दे दिए मैंने आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको मिल गया ठीक है के वन के टू वाली का इस क्वेश्चन का प्रूफ मैंने आपको दे दिया वो तो मैं नीचे नीचे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ आप उसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे ठीक है ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यस देखिए ये मैंने आपको डाल दिया आपके सामने दिस इज द दिजिनल ये है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे यस yes. और उसके बाद और कौन सा प्रूफ दिया है मैंने ये देखो अब अगला क्वेश्चन देखिए द एंथेल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डियर फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट्रोजन एड जरूर हो रहा है लेकिन जब कोई भी कंपाउंड एंथेल्पी ऑफ सॉल्यूशन की एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है इट इज डिफाइंड एट द एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड वैन वन मोल ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वैन वन मोल ऑफ द एनी कंपाउंड इज फोर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिटेंट एलिमेंट्स तो इथेन है ना यहां पर कार्बन की ग्रेफाइड सॉलिड स्टेट से और हाइड्रोजन से बनता है तो दिस इज नॉट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पता क्या होती है जैसे आप बैनजिन लो बैनजिन में छः कार्बन छः हाइड्रोजन होते हैं तो बैनजिन में आप हाइड्रोजन ऐड करके उसको साइक्लोहेक्गजीन बना रहे हो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं जैसे बैनजिन में छः कार्बन होते हैं आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करके उसको साइक्लोहेक्गजन बनाना चाह रहे हो तब जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाया जाता है ना अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाया जाता है तब जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नो अब यहाँ पर ये जर्नल फॉर्मेशन हो रही है इथेन की

तो यहां पर आप सीधा ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं पूरी तरह पठाने के बुक है वैलिड बुक है आप गूगल से डाटा उठाओगे वैलिड नहीं होगा विकीपीडिया से डाटा लोगे वैलिड नहीं होगा और दूसरा डाटा अगर आप वहाँ से बुक उठाते हो कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक प्रदीप है एन और, और दिनेश पब्लिकेशन है वो भी मान्य नहीं होगा एन मान्य होता है और ऐसी बुक जिसका इंटरनेशनल कोड और बुक नंबर होता है आई कोड होता है अब वो बुक मान्य होती है तो पूरी शर्मा पठानिया मान्य होगी आपकी तो आप यहाँ से लाइव प्रूफ उठा सकते हैं ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं फिर भी इसका चाहे आप स्क्रीन ले लीजिए ये आपके सामने सीधा का सीधा स्क्रीन ले लीजिए इसको आप एज ए ऑब्जेक्शन लगा दीजिए और आपके डेफिनेटली एक नंबर मिलेगा मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूं ठीक है यस तो एक नंबर यहां से पक्का हो गया जिसका एंथेल्प्यू फॉर्मेशन करके आया है एक और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी पूछी थी डियर फ्रेंड्स यहां पर ऑब्जेक्शन मिलेगा क्योंकि यहां पर आठ पॉइंट पच्चीस आंसर आता है इसको पूरा आप सोल्व करके देख लेना यहां पर डेंसिटी एट पॉइंट टू फाइव आएगी लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर फोर पॉइंट टू फाइव दे रखा है दिस इज नॉट द राइट आंसर ठीक है इसको सोल्व करके देख लीजिएगा डेंसिटी यहां पर सीजियम ब्रोमाइड की आठ पॉइंट पच्चीस आएगी तो ये भी आप ऑब्जॉक्शन लगा सकते हो इसको सोल्व करना पड़ेगा आप इसको सोल्व करके इसका लाइव प्रूफ सोल्व करके डाल सकते हैं ठीक है थीके? तो कितने हो गए आप तक देखिए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन और ये मेरा पांचवा क्वेश्चन तो ये पांच में पूरे पूरे ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूं आपके सामने भाई साहब ठोक के लगाओ ऑब्जेक्शन पूरे नंबर मिलने चाहिए आपको ठीक है यस अब आ जाओ मेन बात पे जहां पर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे हिंदी वाले की बात कर रहे थे देखो ये पूछा गया है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आधुनिक दिया हुआ है लेकिन इसका आलंबित आंसर बनेगा आ प्लस लंबित आलंबित ठीक है यस आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं इसको अगला देखिए किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है डियर फ्रेंड्स कितनी बेवकूफ लोग हैं स्टेट वाले बोर्ड वाले इनको पता है कि हमने वागेश्वर को जब टीजीटी का पेपर हुआ था टीजीटी के पेपर में वागेश्वर को व्यंजन संधि बोला है इन्होंने यहाँ पर वागेश्वर को व्यंजन संधि माना ही नहीं क्योंकि एस्टेट ने ऑफिशियल की में वागेश्वर आंसर बोला है इसका आंसर तिरोहित है क्योंकि क्योंकि तिरोहित में अं विसर्ग संधि है तिरे प्लस ओहित तिरे प्लस अहित होता है जैसे पुरोहित में क्या होता है पुरे प्लस हित पुरे प्लस हित पुरोहित बनेगा तिरै प्लस हित तिरोहित विसर्ग में ओ बन जाता है देखो आपको मैं इसका लाइव प्रूफ देना चाहूंगा ये देखिए एक तो ये रहा वाक प्लस ईस वागीज होता है जब कै चै ट तय पै के सामने कोई स्वर आ जाए तो देखो दिख प्लस दर्शन दिख दर्शन भाई साहब लाइव प्रूफ लगाओ जबरदस्त है यहाँ पर दिगंबर दिख प्लस अंबर दिगंबर तो उसका क्या बनेगा ये देखो ये रहा ये रहा पुरोहित वाला नीचे नीचे देखो पुरोहित पुरे प्लस हित पुरोहित तो उसका बनेगा तिरोहित का तिरे प्लस हित तिरे प्लस हित तिरोहित तो ये विसर्ग संधि है व्यंजन संधि का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है तो ये पूछा था कहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है तो चिदाभास चिदाभास में बिल्कुल है चित प्लस आभास तय का तीसरा वर्ग हो जाता है मेरे को हिंदी की इतनी नॉलेज है मैं आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूँ पूरा सुन लीजिए चिदाभास क्या होता है चित्त प्लस आभास इसमें तय का दय बन गया है तीसरा वर्ग व्यंजन संधि है तदर्थ तदर्थ होता है तथ प्लस अर्थ तदर्थ क्या होता है तथ प्लस अर्थ भाई तय का तय थे दे, तीसरा वर्ग बन गया तथ प्लस अर्थ तदर्थ चित प्लस आभास चिदाभास वाक प्लस ईश्वर वागीश्वर इसका आएगा तिरे प्लस ओहित तिरोहित विसर्ग संधि है तिरोहित के अंदर तो यहां पर आप सीधा लाइव प्रूफ लगाओ इसका आंसर तिरोहित आएगा ठीक है अब ये भाव समास पूर्वक में हुई भाव समास है अवसर वंचित तो अपादान तत्पुरुष है भाई अवसर वंचित तत्पुरुष मास है अवसर से वंचित होना अवसर से वंचित मतलब कोई अलग होने का भाव है और जब किसी चीज में अलग होने का भाव हो जैसे मैं कह दू गंगा मैंने से हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से निकल रही है तो अलग होने का भाव होता है ना तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है तो अवसर से वंचित मतलब ये अवसर से वंचित रह गया मतलब अवसर का लाभ नहीं उठा पाया तो अवसर से दूर होने का भाव है तो यह अपादान तत्पुरुष है अवसर वंचित अवसर से वंचित होना तो यहां पर देखिए साफ लाइफ प्रूफ है कृपा पूर्वक होता है कृपा के साथ अवैभाव समास में दूसरा पद अवय होता है तो इसका आंसर आएगा कृपया पूर्वक में अवयभाव समास है ठीक है यहां पर आप प्रूफ लगा सकते हैं यस तो मैंने आपको सारे प्रूफ दे दिए चाहे आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ठीक है चाहे आप इसका स्क्रीन ले लीजिए दिगंबर वाली का और चाहे इसका स्क्रीन ले लीजिए भाई ठीक है हाँ जी और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो और जो मेरे साथ आगे पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भाई साहब जुड़ सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यस दिस इज आवर कोर्स देखिए यहाँ पर साफ नज़र आ रहा होगा आपको दिस इज पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन अड्डा कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरा नंबर है ये ले लीजिए न्यू ईयर धमाका के वी एस हो चाहे एन वी एस हो चाहे डी ट्री प्लस बी हो चाहे यूपी पीजीटी हो चाहे रीट हो चार मंथ का कोर्स है एक मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है स्पेशल बैच एच एस सी स्क्रीनिंग का चलेगा जो एस्टेट क्वालिफाई होगा सात जनवरी से और मात्र फीस चार हजार रुपये है पाँच महीने का कोर्स डियर फ्रेंड्स पाँच महीने का कोर्स है चार हजार रुपये फीस है केवल और बैचिज स्टार्ट हो रहे हैं सात जनवरी से मतलब परसों से आप ज्वाइन कर सकते हैं तो दिस इज माय यूर मेंटर माई सेल्फ एनडीएस सर एमएससी बीएड गेट क्वालिफाइड एन एन एस इन फर्स्ट अटेम्प्ट एसटेट पी जी टी टेट थ्री टाइम्स क्वालिफाइड अभी मेरा हाल ही में एस्टेट हुआ है और एस्टेट टेट टी जी टी मेरा ये भी अभी क्वालिफाइड है एस्टेट टी जी टी क्वालिफाइड है तो मेरे सारे टेस्ट क्वालिफाइड है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं रिसेंटली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जो एस्टेट पी जी टी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं मुझसे जुड़ के तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो ठीक है थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग बाई ठोक कर ऑब्जेक्शन लगाओ जितने भी प्रूफ दिए हैं सारे वैलिड हैं और आप मुझसे ये पी मांग सकते हैं बाय साहब लगाओ ढंग से ऑब्जेक्शन ठीक है और एस्टेट पीजीटी की तैयारी करनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैलाइकन प्रेस कर लो आपको सारी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी यहीं से देखने को मिलेगी तो थैंक यू सो मच फॉर द पेसेंट लिसनिंग अगली वीडियो मिलते हैं नए जोश के साथ नए जुनून के साथ थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे